आज बात करूंगा सुल्तान रईस साहब की। सुल्तान रईस साहब किस अदाकारा की बात को नहीं टालते थे, उनकी हर बात को मानते थे और उनको महाना खर्चा देते थे और उनको रोज़ाना फ़ोन करते थे और उनकी हर मजाक को सह जाते थे, उनकी हर बात मान लेते थे। वो अदाकारा कौन थी, आप भी गेस करें। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी नाजरीन, तो वो खूबरू खूबसूरत और ऐसी चट्टी अदाकारा वो थी अंजुमन साहिबा। अंजुमन साहिबा के साथ उनकी पहली फिल्म शेर खान से जो आगाज़ हुआ, उनकी जोड़ी का, उनकी मोहब्बत का, वो आज तक भी जारी है। सुल्तान रईस दुनिया से चले गए लेकिन उनके बेडरूम में आज भी सुल्तान रईस और अंजुमन की तस्वीर सजी है। इस बात का सबूत जब अंजुमन आई, हैदर सुल्तान साथ ले गए सुल्तान रईस की कब्र पर, फिर गए वो सुल्तान रईस का कमरा देखा तो वहाँ रोने लगी, देखा कि वहाँ उनकी और सुल्तान रईस साहब की तस्वीर लगी हुई थी और वहाँ पर जो तस्वीर थी उस पर सुल्तान रईस के सर पर उन्होंने अपनी ठोड़ी रखी हुई थी और खूबसूरत स्टाइल की वाली तस्वीर थी। तो लोग बताते हैं, सुफियान अफाकी साहब ने अपनी किताब में लिखा कि हर बात जिस अदाकारा के सुल्तान रईस सहजत, क्योंकि सुल्तान रईस एक दरवेश सिफ्त इंसान थे, वो ऐसी बात में नहीं पढ़ते, अपना दामन साफ रखते थे, मगर कुछ ऐसा था, कोई कमज़ोरी या कोई मोहब्बत अंजुमन के हाथ थी सुल्तान रईस की। जब भी वो मजाक करते सुल्तान रईस सह जाते, किसी दूसरे अदाकारा की बात नहीं सहते। अच्छा, कुछ जब उनकी शादी हुई और मुबीन मलिक से उनके तलाक़ात ख़राब हुए तो उस दौरान अंजुमन साहिबा की बहन गोरी ने सुल्तान रईस पर मोहब्बत का जाल बिछाया मगर वो भी कामयाब ना हो सकी। बहुत सारी अदाकाराएँ थीं जिन्होंने अंजुमन की जगह लेने की कोशिश की लेकिन जगह कैसे ले सकती। सुल्तान रईस के दिल में जिसकी मोहब्बत थी उसका नाम अंजुमन था और अंजुमन ऐसी अदाकारा थी कि लोग भी पसंद करते थे कि अंजुमन किसी दूसरे हीरो के साथ ना आए, वो सुल्तान रईस के साथ, और सुल्तान रईस भी चाहते थे कि वो उनके साथ। एक दफ़ा का जिक्र है कि फाकी साहब बताते हैं कि शूटिंग के दौरान अंजुमन साहब ने मजाक की कि मैं गुल्लू भाई के साथ आ रही हूँ, यानी गुलाम मुहिद्दीन के साथ मेरी फिल्में आ रही हैं और उसमें मैंने खूबसूरत डांस किए हैं और रोमांस भी दिखाया है और ऐसे सी, तो वो उनको ऐसे ऐसे तंग कर देते। सुल्तान रईस उठकर चले गए, उनको जवाब नहीं दिया। इनकी मोहब्बत के बहुत सारे राज हैं और एक सच्ची मोहब्बत करने वाला शख्स दुनिया से चला गया, फिल्म इंडस्ट्री का भी नुकसान हुआ, उनके चाहने वालों के दिलों में सुल्तान रईस क़यामत तक जिंदा रहेगा। आज की वीडियो कैसे लगी चैनल को।